हेलो गाइस, तो आज मैं आप सबके लिए एकदम ठंडा ठंडा आइसक्रीम की रेसिपी लेकर आई हूँ। तो इसे देखते ही आपके मुंह में एकदम पानी आ जाने वाला है। तो कमेंट करके ज़रूर से बताना कि आपको ये आइसक्रीम की रेसिपी कैसी लगी। तो यहाँ पर आप देखो बहुत ही बढ़िया बनता है फ्रेंड, तो इसे ज़रूर बना करके ट्राई करिएगा। बिल्कुल मेरे तरीके से है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना परफेक्ट आइसक्रीम बन करके तैयार हुआ है। तो चलिए वीडियो को फटाफट से शुरू करते हैं। तो इस आइसक्रीम को बनाने के लिए सबसे पहले आम चाहिए आपको। तो जितने भी आम के पल्प होंगे सारे मैं निकाल करके रख लूँगी। तो यहाँ पर मैंने इस आइसक्रीम को बनाने के लिए 2 आम का यूज़ करी हूँ। तो बिल्कुल आप अपने फैमिली के अकॉर्डिंग क्वांटिटी को बढ़ा घटा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर आम एकदम कट करके रेडी हो चुका है। साथ ही यहाँ पर मैंने मिक्सर जार में दूध ऐड किया था 2 कटोरी, लगभग 250 ml के करीब था ये। साथ ही 4 बड़े चम्मच चीनी ऐड करना है, 2 बड़े चम्मच आपको दूध का पाउडर और 1 चम्मच आपको मलाई ऐड करना है। कोई भी मलाई ऐड कर सकते हैं, आप चाहे तो फ्रेश मलाई भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने सब पहले ही ऐड कर लिया था, मैं आपको दिखाना भूल गई। साथ ही जो आम के कटे हुए पीसेस है आपको ऐड कर देना है और सभी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्सर जार में एकदम ब्लेंड कर लेना है। तो यहाँ पर मैं रफली ब्लेंड करी हूँ ताकि आम के जो पीसेस है वो कुछ कुछ ऐसे भी रहे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आम के पीसेस भी है और साथ ही मलाई भी आपको दिख रहा होगा। तो मैंने इसे रफली ब्लेंड किया है। तो बहुत ही सिंपल स्टेप के साथ इसे आप बनाकर तैयार कर सकते हैं। साथ ही इस तरीके का डब्बे अगर आपके पास हो तो यहाँ पर आप सारे जो पेस्ट हमने बना करके तैयार किए हैं आपको एक डब्बे में भर लेना है। तो यहाँ पर मैं इस डब्बे को अच्छे तरीके से एकदम टाइट तरीके से इसके ढक्कन को लगा दूंगी और ढक्कन लगाने के बाद आपको इसे 12 से 14 घंटे के लिए फ्रीज़र में रख देना है। फ्रीज में नहीं रखना है आपको, जो ऊपर वाले फ्रीज़र होते हैं आपको वहाँ पर रखना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं 14 घंटे हो गए हैं लगभग और आइसक्रीम हमारा एकदम परफेक्ट तरीके से जम चुका है। तो बहुत ही सिंपल स्टेप है, बहुत ही आसान तरीका है इसे बनाने का। तो इस तरीके से आप भी एकदम परफेक्ट, मार्केट से भी बढ़िया होममेड मैंगो आइसक्रीम बना करके तैयार कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत ही बढ़िया तरीके से सेट हो चुका है, आप देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ कितना परफेक्ट तरीके से सेट हुआ है। तो ये देखिए चम्मच से आसानी से कट भी नहीं रहा है। तो इस रेसिपी को देखने के बाद आम को टाटा बाय बाय बोलने से पहले आप इस रेसिपी को कब ट्राई कर रहे हो मुझे कॉमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। तो यहाँ पर परफेक्ट एकदम आइसक्रीम बन करके तैयार हो चुका है। तो बिल्कुल मैं आपको कट करके दिखा रही हूँ, देखिए कितना परफेक्ट सेट हुआ है। तो बहुत ही आसान तरीका है, बहुत ही मिनटों में ये आइसक्रीम बना करके आप तैयार कर सकते हैं। वैसे तो इसका जमने का जो प्रोसेस है थोड़ा लेट टाइम लेता है, यानी ज़्यादा टाइम लेता है, तो वो तो टाइम लेगा ही, लेकिन बनाने का तरीका तो आपने देखा होगा कितना सिंपल है। तो ज़्यादा कुछ भी चीज़ें आपको इसमें नहीं ऐड करना है, नॉर्मली जो बेसिक इंग्रेडिएंट्स होते हैं वही आपको ऐड करना है। बस उन्हीं चीज़ों से ये आइसक्रीम बना करके तैयार कर सकते हो और बच्चे भी खुश हो जाएंगे। तो बच्चों के लिए आइसक्रीम ज़रूर से ट्राई करिएगा। तो चलिए मैं इसे सर्व कर लेती हूँ। तो यहाँ पर बहुत ही परफेक्ट आइसक्रीम बन करके तैयार है हमारा, तो आप भी ज़रूर से ट्राई करिएगा। और साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा, मुझे अच्छा लगेगा। और आप भी बनाइएगा और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर से शेयर करिएगा, क्योंकि बहुत ही इजी आइसक्रीम की रेसिपी है। तो यहाँ पर बिल्कुल इस तरीके से मैंने इसे कट कर लिया है और जो इसके बीच बीच में आम के जो टुकड़े हैं पड़ते हैं ना खाने में, तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो अभी भी मार्केट में आम मिल रहे हैं तो आप इस रेसिपी को फटाफट से बना सकते हैं। तो लीजिए यहाँ पर मेरा मैंगो आइसक्रीम एकदम इंस्टेंट वाला बन करके तैयार हो चुका है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर विजिट कर रहे होंगे तो। साथ ही अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो ये आइसक्रीम की रेसिपी सचमुच में मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया था, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी क्यों ना इसे शेयर किया जाए। तो मैंने इसे बना करके आप लोगों के साथ शेयर भी किया है और साथ ही जो बचे हुए हमारे आइसक्रीम थे तो मैंने इसे क्यूब में इस तरीके से कट कर लिया है। तो खाइए पीजिए, एंजॉय करिए। तब तक मिलती हूँ अगली वीडियो में। थैंक यू।